हाय, दिस इज पंखरी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक गुड न्यूज़। वेल, नॉट एग्जैक्टली मी, लेकिन अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी स्टारर गुड न्यूज़ आज आ चुकी है। और क्या ये फिल्म उतनी ही गुड है जितना कि इसका टाइटल? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म की कहानी है मुंबई में रहने वाले एक सोफिस्टिकेटेड कपल वरुण और दीप्ति बत्रा की। उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं है। एंड नाउ दीप्ति डेस्परेटली वॉन्ट्स अ चाइल्ड। जब वो नेचुरली कंसीव करने में नाकामयाब रहते हैं, देन दे ऑप्ट फॉर IVF। लेकिन उनकी जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वरुण का स्पैम चंडीगढ़ में रहने वाले हनी बत्रा से एक्सचेंज हो गया है। सो नाउ दीप्ति इज प्रेग्नेंट विद हनीज चाइल्ड और हनी की बीवी की कोक में है वरुण का बच्चा। क्या होता है इसके बाद फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। गुड न्यूज की कहानी बहुत सिंपल और प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा किया गया है। द फिल्म लुक्स वेरी फ्रेश, द कॉन्सेप्ट इज न्यू एंड इट्स वेरी एंगेजिंग। फिल्म में आप कहीं पर भी बोर नहीं होते एंड इट कीप्स यू हुक्ड राइट टिल द वेरी एंड। अक्षय कुमार को ऐसी लाइट फैमिली कॉमेडी में देखना काफी रिफ्रेशिंग है एंड हिज कॉमिक टाइमिंग इज बैंग ऑन। ही इज लुकिंग उबर हॉट और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। करीना कपूर खान इज फैंटास्टिक एज दीप्ति एंड दो उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, शी इज मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड शी इम्प्रेसेस यू इमेंसली। दिलजीत दोसांझ इज अ नेचुरल एंड ही मेक्स यू लाफ आउट लाउड एवरी टाइम ही कम्स ऑन स्क्रीन। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर बहुत वीक है, बट शी इज लुकिंग क्यूट एंड इज अर्नेस्ट। आदिल हुसैन एंड टिस्का चोपड़ा आर गुड इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। कियारा और दिलजीत के कैरेक्टर्स बहुत लाउड है। ऑल राइट, वो चंडीगढ़ से है, लेकिन इतना स्टीरियोटाइप करने की जरूरत नहीं थी। एनीवे, इस फिल्म की स्टारकास्ट ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं, क्वाइट लिटरली। ये फिल्म आपको बहुत हंसाती है। जोक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, लेकिन एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग उन्हें हिलेरियस बनाती है। इमोशनल सीन्स भी बहुत स्ट्रांग है और मैंने ऑडियंसेस में काफी लोगों को रोते हुए देखा। फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे पहले तो स्टोरी ही बहुत कन्विंसिंग नहीं है। गाने अगर ना ही डालते तो बेहतर होता। कुछ सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड नहीं थे और उन्हें बहुत खींचा गया है। जैसे एक सीन है जिसमें अक्षय कुमार हाई होकर हंसते जाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम यू गेट एज अनॉयड एज करीना कपूर खान इन दैट सीक्वेंस। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है एंड द स्क्रीन प्ले इज फैब। अगर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले खराब होता देन इट वुड हैव बीन अ टोटल डड। द डायलॉग्स आर नाइस एंड द बैकग्राउंड स्कोर इज पेपी। So overall, I quite enjoyed Good News. Festive season है, साल खत्म होने वाला है और ये एक feel good film है जो आप अपने family और friends के साथ enjoy कर सकते हैं। I give it a rating of 3.5 stars. So that's all I have for you today. I'll see you next year with something new and something fresh. You all have a blast and I wish you a very happy new year.